tonight was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of. Hello friends. पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्पीड फोर्स फ्रैक्चर हो चुकी है और इस वजह से फ्लैश अपनी स्पीड और टाइम खोता जा रहा है, जिस वजह से ऐसे बहुत ही इंसिडेंट्स होते हैं जहां वो टाइम से नहीं पहुंच पाता और आखिरकार फ्यूचर फ्लैश पास्ट में जाके स्पीड फोर्स और बाकी चीजों को ठीक करने का डिसाइड करता है और फिर वो पहुंचता है उस टाइमलाइन में जहां वॉली वेस्ट को वो मरने से नहीं बचा पाया था। तो चलिए अब देखते हैं आगे की स्टोरी। फ्यूचर फ्लैश या कहें ब्लू फ्लैश टाइम में ट्रेवल करता हुआ अभी से 5 साल बाद की टाइमलाइन में पहुंचता है जहां वॉली वेस्ट की डेथ हुई थी और यहां हम देखते हैं कि रिवर्स फ्लैश उस टाइमलाइन के फ्लैश से लड़ने के लिए उसे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है और उसे रोकने के लिए आयरिस और वॉली अपनी कार में सेंट्रल सिटी की तरफ निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्लू फ्लैश आके रिवर्स फ्लैश का गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और ये देखकर रिवर्स फ्लैश उससे बोलता है कि तुम इतने स्ट्रांग कब से हो गए और ब्लू फ्लैश उससे कहता है कि मैं वो फ्लैश नहीं जिसे तुम जानते हो, मैं फ्यूचर से हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने से रोकने आया हूँ और वॉली और आयरिस को बचाने आया हूँ। ये सुनकर रिवर्स फ्लैश हैरानी से उससे बोलता है कि मैं अपने नेफ्यू और बहन को क्यों मारना चाहूंगा, मैं आयरन हाइट प्रिजन से भाग के सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आया था, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। पर फ्लैश उसे बताता है कि तुमने अपनी बेवकूफी में रोड को बुरी तरह से खराब कर दिया और इस वजह से उनकी कार उलट जाएगी और तुम्हें रोकने की जल्दी में वो अपनी सीट बेल्ट भी लगाना भूल गए। तभी हम देखते हैं कि आयरिस की कार का टायर टूटी हुई रोड के एक हिस्से से टकरा जाता है और कार फ्लिप होने लगती है और रिवर्स फ्लैश ब्लू फ्लैश से बोलता है कि मुझे छोड़ो, मैं उन्हें अभी भी बचा सकता हूँ और ब्लू फ्लैश उससे बोलता है कि उस चीज के लिए मैं हूँ ना और आज भी मैं ही हीरो रहूंगा और तुम विलन। और इसी के साथ ब्लू फ्लैश रिवर्स फ्लैश के गले को तोड़ देता है और रिवर्स फ्लैश मर जाता है और फिर वो आयरिस और वॉली की कार की तरफ भागता है और उन्हें कार के पलटने से पहले उसमें से निकाल लेता है और दोनों का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। और तभी आयरिस अपने भाई डैनियल वेस्ट यानी रिवर्स फ्लैश की डेड बॉडी को देखती है और ब्लू फ्लैश से कहती है कि फ्लैश तुमने मेरे भाई को मार डाला, और साथ ही वो वॉली को ब्लू फ्लैश से दूर रहने को कहती है। ब्लू फ्लैश उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे सभी की प्रोटेक्शन के लिए डैनियल को मारना पड़ा और तभी उस टाइमलाइन का फ्लैश भी अपने रेड कॉस्ट्यूम में वहां पहुंच जाता है और सीधे ब्लू फ्लैश यानी फ्यूचर फ्लैश को पकड़ लेता है ये सोच के कि नए ब्लू सूट में रिवर्स फ्लैश है। दूसरी तरफ आयरिस और वॉली कंफ्यूजन में खड़े देख रहे होते हैं कि आखिर असली फ्लैश कौन है और तभी ब्लू फ्लैश रेड फ्लैश से बोलता है कि रिवर्स फ्लैश को मैंने मार दिया है और साथ ही वो अपना मास्क उतारता है और वहां खड़े सभी लोगों को पता चलता है कि ब्लू सूट में और कोई नहीं फ्यूचर बैरी एलन है और रेड फ्लैश हैरानी से बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं और तुम एक ही कैसे हो सकते हैं और ब्लू फ्लैश उसे बताता है कि वो फ्यूचर से है और यहां स्पीड फोर्स को हुए डैमेज को ठीक करने आया है। साथ ही वो फ्लैश से बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि स्पीड फोर्स डैमेज हो चुकी है और इसी वजह से तुम टाइम लूज कर रहे हो और ग्रॉड और रिवर्स फ्लैश ने स्पीड फोर्स के साथ खिलवाड़ करके स्पीड फोर्स में हुए फ्रैक्चर को और भी बढ़ा दिया है और अब मैं पास में ट्रैवल करके उस टाइम लाइन में जा रहा हूँ जहाँ ये फ्रैक्चर सबसे कम था और यहाँ इसे ठीक किया जा सकता था और अब शायद मुझे 5 साल और पीछे जाना पड़े, नहीं तो ये फ्रैक्चर स्पेस और टाइम के पूरे फैब्रिक को ही बर्बाद कर देगा। तभी रेड फ्लैश उससे बोलता है कि ये चीज करने के लिए कोई और रास्ता भी हो सकता था और इसके लिए किसी को मारना जरूरी नहीं था। ये सुनते ही ब्लू फ्लैश गुस्से में रेड फ्लैश से बोलता है कि ये सब बेकार की बातें बंद करो और वैसे तो मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया था पर अब लगता है कि मुझे तुम्हें भी रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और इसी के साथ ब्लू फ्लैश रेड फ्लैश पे अटैक कर देता है और तभी एक स्पीड फोर्स फीडबैक होता है और दोनों फ्लैश दूर जाके गिरते हैं मगर ब्लू फ्लैश दोबारा रेड फ्लैश की तरफ भागता है और उसका गला पकड़ लेता है पर रेड फ्लैश को पता चल जाता है कि उसे अब क्या करना है और वो ब्लू फ्लैश के सिंबल को पकड़ लेता है जिससे स्पीड फोर्स फीडबैक दोबारा शुरू हो जाता है और ब्लू फ्लैश रेड फ्लैश से बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो और तभी एक बड़ा सा स्पीड फोर्स फीडबैक ब्लास्ट होता है और उस एक्सप्लोजन में से निकल रही एक स्पीड फोर्स एनर्जी लाइटनिंग बोल्ट वॉली के बॉडी पे आके लग जाती है और ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि ब्लू फ्लैश वहां से गायब हो चुका है और सिर्फ बुरी तरह इंजर्ड रेड फ्लैश ही उस जगह पे बचा है। साथ ही लाइटनिंग बोल्ट की वजह से वॉली के अंदर भी फ्लैश जैसी पावर्स आ गई हैं और वो हाई स्पीड में दौड़ता हुआ फ्लैश के पास पहुंचता है और फ्लैश मरने से पहले वॉली से बोलता है कि वॉली
अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही संभालनी होगी और साथ ही तुम्हें फ्यूचर फ्लैश को भी रोकना होगा इससे पहले कि वो किसी और को मारे। और इसी के साथ फ्लैश भी मर जाता है और वॉली गुस्से में कसम खाता है कि वो किसी भी कीमत पर ब्लू फ्लैश को रोक के ही रहेगा। इसके बाद हम स्टोरी में आते हैं प्रेजेंट डे में, यानी अभी की टाइमलाइन में, जहां हमने स्टोरी के पार्ट वन में बैरी एलन को साइकोलॉजिस्ट के पास जाते और सेंट्रल सिटी पुलिस स्टेशन में पैटी के साथ काम करते हुए देखा था। और हम देखते हैं कि ब्लास्ट के बाद ब्लू फ्लैश भी सीधे इसी टाइमलाइन में आके गिरता है और फिर वो अपने एआई सूट से पूछता है कि हम सही टाइमलाइन में पहुंचे हैं कि नहीं, और सूट उसे बताता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही टाइमलाइन है और अगर यहाँ स्पीड फोर्स के फ्रैक्चर को ठीक किया जाए तो वो पूरी तरह से सही और नॉर्मल हो जाएगी। और फ्यूचर फ्लैश हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच ही गए। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी की टाइमलाइन का बैरी एलन सो के उठता है और बैटी को किस करने के बाद किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और तभी ब्लू फ्लैश वहां आ जाता है और उसे उठा के अपने साथ द सॉल्ट फ्लैट एरिया में ले जाता है। और वहां पहुंचने के बाद बैरी एलन ब्लू फ्लैश से बोलता है कि ये तो वही जगह है जहां मिरर वर्ल्ड से निकलने के बाद रिवर्स फ्लैश को उसकी पावर्स मिली थी, इसका मतलब कहीं इस नए ब्लू सूट के अंदर तुम डैनियल तो नहीं। और ब्लू फ्लैश उससे बोलता है कि नहीं, मैं डैनियल नहीं हूँ, पर आज हम उसी की वजह से यहाँ एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये वही जगह है जहाँ पे स्पीड फोर्स से चार्ज होने वाली एल्सा मोनोरेल क्रैश हुई थी और उसकी वजह से डैनियल वेस्ट यानी रिवर्स फ्लैश को पावर्स तो मिली मगर स्पीड फोर्स में एक फ्रैक्चर भी हो गया और बिना सोचे समझे इसी फ्रैक्चर से होते हुए डैनियल वेस्ट ने अपने डैड को मारने के लिए पास्ट में ट्रैवल किया जिसने स्पीड फोर्स को और भी तोड़ दिया। ये सुनने के बाद बैरी ब्लू फ्लैश से बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने भी तो डैनियल को रोकने के लिए टाइम में पीछे ट्रैवल किया था और फिर वहां से वापस भी आया, पर मुझे नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है स्पीड फोर्स के साथ। और फिर ब्लू फ्लैश उससे बोलता है कि अच्छा, तो जरा अपनी घड़ी देखो, वो 10 मिनट लेट कैसे है, जितनी बार भी तुम स्पीड फोर्स को यूज करते हो उतनी बार टाइम तुम्हारे हाथ से निकलता जाता है, यू स्टार्ट लूजिंग टाइम और इसी वजह से तुम आगे अपनी लाइफ में होने वाले इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स पे टाइम से नहीं पहुंच पाओगे और बहुत सी चीज़ों को खो दोगे। और अपने पीछे देखो, तुम्हें स्पीड फोर्स में हुआ फ्रैक्चर खुद दिखाई दे जाएगा और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़े स्पीड फोर्स एनर्जी एक्सप्लोजन से ही हम इस फ्रैक्चर को सील कर सकते हैं और इसके लिए किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा और वो होगे तुम। इसी के साथ ब्लू फ्लैश बैरी पे अटैक कर देता है और वो आसानी से बैरी के ऊपर चारों तरफ से पंचेज मारने लगता है और बैरी कुछ नहीं कर पाता और वो ब्लू फ्लैश से पूछता है कि तुमने ऐसी फाइट करना कहाँ से सीखा। और ब्लू फ्लैश उससे कहता है कि मैंने ये 20 साल ऐसे ही नहीं निकाल दिए, ये सब स्किल्स मैंने अपने साथियों जैसे डेथ स्ट्रोक, लेडी शिवा और सबसे बेस्ट बैटमैन से सीखी हैं, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया था कि सिर्फ सुपर स्पीड की पावर्स होना हमें हमेशा जीत नहीं दिला सकती। और फिर बैरी उससे बोलता है, पर अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी तो इस वर्ल्ड से गायब हो जाओगे। और ब्लू फ्लैश उसे जवाब देता है कि नहीं, स्पीड फोर्स ऐसा नहीं होने देगी क्योंकि मैं अब तुम्हारी टाइमलाइन में नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारे फ्यूचर में हूँ, इसलिए ये चीज़ मुझे अफेक्ट नहीं करेगी। और अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ क्यों आता, मैं सीधे पास्ट में पहुँच के अपने आप को पैदा होने से ही रोक देता और ये चीज़ जड़ से ही ख़त्म हो जाती, पर ऐसा नहीं हो सकता और मुझे स्पीड फोर्स को यहीं ठीक करना होगा और इसके लिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और इसके बाद बैरी गुस्से में कहता है कि इतनी आसानी से तुम मुझे नहीं मार पाओगे और वो अपनी फ्लैश रिंग को यूज करके अपने रेड फ्लैश सूट में आ जाता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, मगर अभी भी रेड फ्लैश ब्लू फ्लैश के आगे कुछ भी नहीं कर पाता और ब्लू फ्लैश रेड फ्लैश को गले से पकड़ के स्पीड फोर्स फ्रैक्चर के अंदर डालने लगता है ताकि वो फ्रैक्चर को सील कर सके और हर चीज को फाइनली खत्म कर सके और रेड फ्लैश स्पीड फोर्स फ्रैक्चर से कनेक्ट हो जाता है। मगर तभी एक नया स्पीडस्टर आके ब्लू फ्लैश को पीछे से मारता है और ब्लू फ्लैश दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि ये नया स्पीडस्टर और कोई नहीं फ्यूचर वॉली वेस्ट है। और फिर वॉली ब्लू फ्लैश से बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी खुद को ट्रेन करने और इस पावर को मास्टर करने में और अब मैं फ्यूचर से पास्ट में सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी दी हुई कसम पूरी कर सकूं और तुम्हें हमेशा के लिए रोक सकूं। और ब्लू फ्लैश उससे कहता है कि वॉली मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जो यहाँ करने के लिए आया हूँ वो हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे उस फ्रैक्चर को सील करना ही होगा, नहीं तो स्पेस टाइम
और पूरी रियलिटी ही खत्म हो जाएगी। पर वॉली उससे कहता है कि मैं तुम्हें किसी को मार के ये नहीं करने दूंगा। और फिर ब्लू फ्लैश और वॉली के बीच फाइट शुरू हो जाती है, मगर ब्लू फ्लैश वॉली को छू भी नहीं पाता और वॉली ब्लू फ्लैश पे अटैक करने लगता है। और कोई और रास्ता ना दिखते हुए ब्लू फ्लैश रेड फ्लैश यानी बैरी को मारने के लिए उसकी तरफ हाई स्पीड में बहुत सारी कीलें फेंकता है, मगर बैरी को बचाने के लिए वॉली उसके सामने आ जाता है और सारी कीलें उसे लग जाती हैं। और ब्लू फ्लैश जोर से चिल्लाता है नहीं, और उसके सामने ही वॉली जमीन पे बैरी के बगल में जाके गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वॉली बैरी से कहता है कि मुझे अपनी पावर्स स्पीड फोर्स ब्लास्ट में तुम्हारी पावर्स एब्जॉर्ब करने के बाद मिली थी, और इस वजह से मैं अभी भी तुम्हारी पावर्स एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, और उसकी मदद से मरने से पहले मैं इस स्पीड फोर्स फ्रैक्चर को बंद कर सकता हूँ। और इसके बाद वॉली बैरी की पावर्स एब्जॉर्ब करने लगता है, साथ ही बैरी के स्पीड फोर्स फ्रैक्चर से कनेक्ट होने की वजह से फ्रैक्चर की एनर्जी भी वॉली के अंदर ट्रांसफर होने लगती है। और फाइनली एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और लास्ट में सिर्फ हमें ब्लू फ्लैश वहाँ खड़ा दिखाई देता है। वॉली और बैरी कहीं दिखाई नहीं देते और ब्लू फ्लैश बोलता है कि वॉली तुमने ये क्या किया, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया था, आई एम सॉरी वॉली। इसके बाद ब्लू फ्लैश का AI सूट उसे बताता है कि स्पीड फोर्स नॉर्मल हो चुकी है और स्पीड फोर्स फ्रैक्चर सील हो चुका है, पर अब वापस जाने के लिए फ्यूचर की टाइमलाइन नहीं बची, इसलिए हम फ्यूचर में वापस नहीं जा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड फ्लैश एक जंगल में आके गिरता है और तभी उस पे एक डायनासोर हमला कर देता है और वो भागने की कोशिश करता है, पर वो हाई स्पीड में नहीं भाग पाता। और हमें पता चलता है कि फ्लैश अपनी स्पीड खो चुका है और उसका स्पीड फोर्स से कनेक्शन भी टूट चुका है। और यहाँ खत्म होती है फ्लैश आउट ऑफ टाइम सीरीज और शुरू होती है फ्लैश एंड ऑफ टाइम की सीरीज, जिसे हम कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।